पहले मैं एक प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्या है। एक बॉल है यहाँ पे और इस बॉल को एक दो स्ट्रिंग से, दो अलग अलग रेड पेन से मैंने स्ट्रिंग बना दिया है, दो स्ट्रिंग से बांधा हुआ। एक इस वर्टिकल पोल से, ये पोल है, फिक्स्ड पोल है, ये दिस इज अ फिक्स्ड पोल। इस फिक्स्ड पोल से कनेक्ट किया है, ऊपर वाली स्ट्रिंग थीटा वन एंगल बना रही है और नीचे वाली स्ट्रिंग थीटा टू एंगल बना रही है। और ये बॉल की मास एम है, बॉल जो है वो इस पोल से स्मॉल आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड, और इसको ओमेगा हमने दे दिया। अब ये घूमेगा इस पोल के अराउंड, चारों तरफ पोल के घूमना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहला काम आपको जो कहा जाएगा इसमें, वेरिएशंस देखिए, राइट इक्वेशंस। मेरे को इसके लिए इक्वेशन लिखना पड़ सकता है, एक्स और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस का इक्वेशन लिखना है। तो देखो इस बॉल को, इस बॉल को ध्यान से देखो, इस पे एक तो थीटा वन एंगल पे स्ट्रिंग गया है, तो वो टेंशन टी वन मान लो आप, जो कि वर्टिकल से कितने एंगल पे आ जाएगा, फिर ये थीटा वन पे आ जाएगा। दूसरा स्ट्रिंग ये गया दूसरा स्ट्रिंग टी टू, ये कितने एंगल पे है, दिस इज एट एंगल थीटा टू, है ना। तो इस, अब यहाँ पे मैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, फोर्स बॉडी डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम, दोनों नाम से आप इसे बुला सकते। तो इस बॉल को अगर देखो आप, एक फोर्स तो ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, टी वन कॉस थीटा वन, और दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, टी टू कॉस थीटा टू। ये टी वन कॉस थीटा वन और टी टू कॉस थीटा वन मिल करके क्या कर रहा है, इस बॉल के वेट को बैलेंस कर रहा है। और लेफ्ट में कंपोनेंट आ रहे हैं इनके, एक आ रहा है टी वन साइन थीटा वन और दूसरा आ रहा है टी टू साइन थीटा टू। ये दोनों टेंशन के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाले मिलकर के क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इस बॉल को, रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स। आप मेरे शब्दों पे जरूर ध्यान देना, मैं हर बार सेंटेंस में शब्द मेरे चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि यही फिजिक्स है। फिजिक्स में एक स्टेटमेंट चेंज हुआ, आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। तो दोनों टेंशन यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा इसको, रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स, मैं एसी लिख देता हूं, ठीक। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। एक बार इस डायग्राम को यहाँ से उठा लिया जाए, ये डायग्राम बनाया मैंने एफबीडी का, इस बॉल का एफबीडी ये बनाया। तो वाई डायरेक्शन में क्या है, दिस टी वन कॉस थीटा वन प्लस टी टू कॉस थीटा टू, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है इसका, वेट एम जी, और टी वन साइन थीटा वन प्लस टी टू साइन थीटा टू, दिस इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स, ठीक। दो इक्वेशन हमने बना दिया, तो पहला आंसर आपका आ गया, मेरे को इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया था, फर्स्ट पार्ट। नाउ इन द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना होगा एकदम से, कॉन्सेप्ट है, कोई रेक्टिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। फाइंड वैल्यू ऑफ ओमेगा मैक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ ओमेगा मैक्स एंड ओमेगा मीन, मिनिमम ओमेगा की वैल्यू और मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू बतानी है आपको, क्या पॉसिबल है। अब देखना ओमेगा कहाँ से आपको निकालने में बनेगा, ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में ही ओमेगा दिया हुआ है। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार,
वन साइन थीटा वन प्लस टी टू साइन थीटा टू इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहां पे आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है क्या ओमेगा मैक्स एंड ओमेगा मिन। फिर से थोड़ा मेरे को स्पेस चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए, मैं इसको अगले स्लाइड में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम को देखते हो, ये है, ये टेंशन T1 है और ये टेंशन T2। ठीक है, तो यहां से ये वाला वर्टिकल एंगल तो चलो थीटा वन है थीटा टू है, इससे फर्क अपने को ज्यादा कुछ नहीं पड़ा। आपको अगर यदि मैक्सिमम ओमेगा चाहिए है ना, इसमें दो पार्ट बना लेते हैं, एक इसके हेल्प से हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम ओमेगा और दूसरे पार्ट में हम फाइंड करेंगे मिनिमम ओमेगा। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। यहां अगर यदि मैं इस बॉल की बात करूं तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है, ये एंगल कितना है थीटा टू और ये वाला एंगल है थीटा वन। यहां पे आपको क्या दिखेगा देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, रटना नहीं है इसको क्योंकि इसकी एनालिसिस से आपका दिमाग बस तेज होगा और कुछ नहीं। थीटा वन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लेस है विद रिस्पेक्ट टू, और साइन थीटा फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा में सेम रिलेशन रहता है, अगर कॉस थीटा रहता तो उल्टा हो जाता, ये आपको मैथमेटिक्स से पता होना चाहिए। थीटा वन लेस देन थीटा टू है यहाँ पे, इसलिए आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा वन लेस देन साइन थीटा टू। इसका मतलब ये साइन थीटा वन और साइन थीटा टू में कौन बड़ा है, दिस इज बिगर, ओके, दिस साइन थीटा टू इज बिगर देन द साइन थीटा वन। इसका मतलब अगर यदि ये मैं पहली वाली स्ट्रिंग को कट कर दूं, जो ये डायग्राम था, ये टी वन वाली स्ट्रिंग अगर मैं इसको कट कर देता हूं तो मेरे को ओमेगा मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि मैं टी वन को कट कर रहा हूं, इसका मतलब साइन थीटा की जो छोटी वाली वैल्यू मैं उसको एलिमिनेट कर रहा हूं। तो यहां पे आप क्या करो टी वन को जीरो कर दो, मतलब पहली वाली स्ट्रिंग को कट कर दो, कट द स्ट्रिंग। जैसे आप इसको कट करोगे तो साइन थीटा वन वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे टर्म क्या बचेगा आपके पास, T1 को जैसे आप कट करते हो तो थीटा वन क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां से तो एक रिलेशन आपके पास आ गया टी टू साइन थीटा टू इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और जो पहले आपके पास ये वाला रिलेशन है ये वाला, यहां भी थीटा वन को एलिमिनेट कर दोगे, सीधा टेंशन T1 को जीरो किया है आपने, थीटा वन को तो कुछ मत करो, T1 को जीरो कर दिया आपने, कट किया स्ट्रिंग तो T1 हो गया जीरो। तो इस रिलेशन में फिर T1 को जीरो करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, T2 cos थीटा 2 इक्वल्स टू mg, दूसरा रिलेशन बच गया T2 cos थीटा 2 इक्वल्स टू mg, इन दोनों को कर दो डिवाइड, यहां से आपको मिल जाएगा थीटा 2, यहां जो ओमेगा यूज हो रहा है ये ओमेगा मैक्सिमम है, आप इनको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा मैक्स स्क्वायर टाइम्स आर वन। ये आपका रिलेशन आ गया किसका, मैक्सिमम ओमेगा का। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद तो अब मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा चाहिए तो मैं मैक्सिमम वाले एंगल को जीरो कर दूंगा, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला टर्म मिनिमम हो जाएगा, ये टर्म मिनिमम तो ओमेगा मिनिमम, इसका मतलब मैं सीधा टी टू को जीरो कर दूंगा, कट कर दिया, कट द स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग कट कर दिया तो आपके पास क्या क्या रिलेशन बचा,
साइन थीटा वन इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, देन यू हैव टी वन कॉस थीटा वन पहले वाले रिलेशन से इक्वल्स टू एम जी. सो हियर ओमेगा विद दिस वैल्यू यू विल बी गेटिंग मिनिमम. सो टेन थीटा वन विल बी इक्वल्स टू ओमेगा मिनिमम स्क्वायर टाइम्स आर बाय जी. बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को. आप एक बार दो बार रफ में करना, समझ में नहीं आएगा तो मेरे को व्हाट्सएप भेजना ही वाले स्लाइड्स. अब इसका थर्ड पार्ट है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है फाइंड रेंज व्हेन neither t1 is 0 nor t2 nor t2 is 0. रेंज क्या होगा टेन थीटा का, जबकि ना तो t1 0 होगा ना तो t2 0 होगा. तो यहाँ पे आप सीधा क्या लिखोगे, फॉर ओमेगा मैक्स स्क्वायर आर बाय जी, मतलब बिटवीन ओमेगा मैक्स स्क्वायर आर बाय जी एंड ओमेगा मिनिमम स्क्वायर आर बाय जी द टेंशंस विल नेवर बी जी. द टेंशंस टी वन एंड टी नॉट E2 will not be zero. इस क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस करना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इस सवाल को. सवाल है क्या ये थ्योरी का पापा है, आपको इससे थ्योरी समझ में आती है. नाउ लेट्स मूव टू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय दूंगा करने के लिए, क्योंकि अब इतना तो आप समझ गए कि करना क्या है. सर्कल को आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए भी मैं देखूं अगर मुझे शेप मिल जाए तो इट विल बी गुड. सिलेंडर अच्छा अवेलेबल है, चलो देखो इसको. ये ऐसा कोई भी मौत का कुआं आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो कभी मौका मिलेगा जरूर देखना. इस मौत के कुएं में ऐसा करके कुछ बाइक चलाते हैं बंदे, वेल सा कुआं सा बना देते हैं और इसमें बाइक चलाते हैं. ये होती है एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं जो सेंटर से पास करता हुआ पैरेलल लाइन हो, इसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ सिलेंडर. इस सिलेंडर ही है या फिर कोई सिलेंड्रिकल वॉल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ. अब यहाँ पे क्या है, इस सिलेंडर पे आपको एक एक बंद कमरा सा है, मान लो एक रूम है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है. यहाँ पे मैं एक मास एम ले लेता हूँ और सिलेंडर के सरफेस और इस बॉल के सरफेस में जो कांटेक्ट में है ये रफ है, मतलब इसका कुछ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है और इस सिलेंडर को मैं ओमेगा से घुमाना स्टार्ट करता हूं. सिलेंडर को मैंने कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया है और इसके रेडियस दे रखे हैं आपको आर, कैपिटल आर, ठीक. और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. अब आपको क्वेश्चन में लिखता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of minimum, find the value of minimum omega so that the block does not fall, so that the block
does not, so that the block does not fall. Okay, I'll give you a minute to solve this question. Go ahead. मैं सॉल्व कर देता हूँ. देखिए, ये सिलेंडर का वॉल है जहां पे कि ब्लॉक ऐसा करके कनेक्ट है. अब इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा और ये वही नॉर्मल है जो इस बॉल को सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर. और सेंटर क्या है इसका? सेंटर ये वाला सेंटर होगा, ये ऐसा सर्कल में घूमेगा साथ साथ इसके. ये जो घूमेगा इसका रेडियस क्या है? आर. पहले तो आपने सर्कल फाइंड कर लिया, रेडियस फाइंड कर लिया, उसके बाद इसका एमपीडी बना रहे हैं. अब इस मास का एमजी होगा, इस मास का एमजी डाउनवर्ड एक्ट करेगा और अब इस पे एक ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि बॉल की टेंडेंसी इस ब्लॉक की क्या है? नीचे आने की. और फ्रिक्शन आप क्या लिखोगे? म्यू टाइम्स एम. इतने में काम होता है. तो इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ मैं. यहाँ पे देख लो, अगर आप फ्रिक्शन की बात करो तो फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? इसके वेट को. इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन होता क्या है? न्यू टाइम्स नॉर्मल इक्वल्स टू एम इंटू जी. और एक रिलेशन ये आ गया, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज एम ओमेगा टाइम्स आर. ओमेगा आपने दिया हुआ है इसको. अब इन दोनों को डिवाइड करो, यहां से आपको मिनिमम ओमेगा निकालना है. डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? म्यू इक्वल्स टू जी अपॉन ओमेगा मिनिमम स्क्वायर टाइम्स आर. सो ओमेगा मिनिमम यू विल गेट इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन म्यू आर. ये आपका मिनिमम ओमेगा रिक्वायर्ड फॉर दिस ब्लॉक नॉट फॉल. तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगा होगा लेक्चर, क्योंकि ये चैलेंजिंग है, होना चाहिए.